Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Today we are going to learn about taxation in MS Access. तो आइए स्टार्ट करते हैं MS Access को और सीखते हैं कि टैक्सेशन हम कैसे कर सकते हैं. ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए. इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा. व्यू पे जाके क्लिक कीजिए और डिज़ाइन व्यू पे आ जाइए और यहां कोई नाम दे देता हूं मैं, ठीक है. और यहां पर आईडी लिखी हुई आ रही है. यहां पर आईडी के जगह मैं कर देता हूं प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है. और प्रोडक्ट आईडी को ऑटो नंबर रहने देते हैं. और यहां पर मैं एम्प्लॉई नेम लिखूंगा, एम्प्लॉई नेम, ओके. और इसे मैं टेक्स्ट डेटा टाइप रखूंगा और फिर देन एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई आईडी इज अ नंबर डेटा टाइप, ओके. उसके बाद हमें यहां पे प्राइस या प्रोडक्ट नेम लिखना होगा. यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम. प्रोडक्ट नेम लिखने के बाद यहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और देन यहां पे हम प्राइस, प्राइस ऑफ या फिर सिर्फ प्राइस लिख देंगे, ठीक है. तो प्राइस लिखने के बाद यहां पे नंबर डेटा टाइप देंगे हम, ठीक है. यहां पे देंगे एक्सपायरी डेट, ठीक है, और इसको रखेंगे डेट एंड टाइम. यहां से आप चूज कर लीजिए डेट एंड टाइम. और मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चर्ड डेट, यहां पे लिख देंगे मैन्युफैक्चर्ड डेट और इसको भी हम डेट एंड टाइम रखेंगे. इधर नीचे आएंगे तो यहां पे यूनिट डाल देंगे, यूनिट, ठीक है. और यूनिट जो है नंबर डेटा टाइप होगा. और यूनिट के बाद यहां पे करेंगे हम टोटल, और टोटल भी नंबर डेटा टाइप होगा. और टोटल के बाद यहां पे हम करेंगे टैक्स, टैक्स, और ये टैक्स किस में होगा, परसेंटेज में होगा, ठीक है. तो यहां पे मैं परसेंट लिख देता हूं, ठीक है, परसेंट. तो यहां परसेंट करने के बाद इसको भी नंबर डेटा टाइप ही रखेंगे हम, ओके. अब यहां पर जब आएंगे तो टैक्स अमाउंट यहां पे कैलकुलेट करेंगे हम, टैक्स अमाउंट, ठीक है. और यहां पे टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर डेटा टाइप इसको भी रखेंगे. तो इतना करने के बाद अब हमें कहां जाना है, व्यू पे जाना है और डेटा शीट व्यू पे. चलिए देख लेते हैं कि हमारा इंटरफेस कैसा आ रहा है. ये देखिए इस तरह का कुछ हमें दिखाई पड़ेगा. अब हमें क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और क्वेरी डिजाइन पे जाना है. क्वेरी डिजाइन पे जाकर के इसको ऐड कर लेना है, ऐड करके एक-एक करके इंसर्ट कराते जाना है. प्रोडक्ट आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, यूनिट, टोटल, टैक्स परसेंटेज, टैक्स अमाउंट. इतना सब लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे टोटल को कैलकुलेट करना है. तो कैसे करें टोटल को कैलकुलेट, तो आइए देखते हैं. सबसे पहले यहां कोलन का निशान बना लीजिए. कोलन का निशान आपको मिलेगा कहां, अल्फाबेटिक एल के ठीक बाद मिलेगा. और स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए. अब स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद यहां लिखिए प्राइस, ठीक है, प्राइस, और स्क्वायर ब्रैकेट को करिए बंद. इनटू का निशान लगाइए, 8 नंबर अल्फाबेटिक बटन पे आपको इनटू का निशान मिल जाएगा. और उसके बाद यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए यूनिट, यहां लिख दीजिए यूनिट और स्क्वायर ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, ओके. अब आते हैं टैक्स इन परसेंटेज. तो जो भी यहां पे टैक्स देंगे हम वो परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आएगा. तो चलिए यहां टैक्स अमाउंट निकालते हैं. तो कैसे निकालेंगे, कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए आप और टोटल पे निकलता है टैक्स हमारा. तो टोटल अमाउंट में ही टैक्स छिपा होता है. तो यहां लिखेंगे टोटल, ठीक है, यहां पे जो 100 का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं इसको हटा दीजिए, ठीक है. और यहां से ये जो ऑपरेटर आपने यूज किया है अपॉन का, इसको भी हम हटा देते हैं,
और अपॉन कर देते हैं 100। अब मेरे ख्याल से ये करेक्ट आ जाना चाहिए। जी हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे 480 रुपये 3% के हिसाब से टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा वो अपने आप आता जाएगा। जैसे मान लीजिए सेकेंड एम्प्लॉय का नाम है अभिषेक, अभिषेक कुमार मैं डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं अभिषेक कुमार डालूँगा तो यहाँ पे अब एम्प्लॉय आईडी ये 66। अब ये क्या बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बेच रहे हैं एप्पल जूस, ठीक है। तो ये एप्पल जूस बेच रहे हैं और एप्पल जूस कितने की है, 23 रुपये की एक है। और यहाँ मैन्युफैक्चर डेट, तो मैन्युफैक्चर डेट एक्सपायरी डेट है ये, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये, ठीक है। और मैन्युफैक्चर डेट जो भी है ये डाल देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो है 80 यूनिट इसकी भी बिकी हुई है। और इस तो यहाँ पे मैंने तीन नाम टाइप कर दिए हैं और इनमें अलग अलग टैक्स भी लगाया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पर टैक्स 3% है, फिर यहाँ 7% है, यहाँ 6% है, तो उसके हिसाब से टैक्स अमाउंट यहाँ कैलकुलेट होकर आ जा रहा है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि टैक्स अमाउंट हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।